सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फ्रिक्चर या दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कई भाइयों का कमेंट आया था, जब हम मशीन के ऊपर जब हम फिनिशिंग दिखाते हैं तो पूछते हैं भी रेगमाल आपने वो कैसे बना रखा है। दोस्तों आज मैं इसका पूरा बताऊंगा, इसका प्रोसीजर कैसे है। ये हमारी 9 इंची की है, ये मेरी तो 12 mm की प्लेट है तो आप अप्लाई है इसके अंदर, तो आपने क्या करना है 15 mm की इसमें लेना है, क्योंकि 15 mm की प्लाई थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, सीधा करने से ढबक नहीं मारती। और दोस्तों इसके अंदर जो सा पेपर हमने लगाना है, एक तरफ हम 60 का भी लगा सकते हैं और दूसरी तरफ हम 100 का भी लगा सकते हैं, आप चाहो 50 का भी लगा, जैसे आपका काम है। क्यों मोटा हल्का सा मोटा पहले रफ करना है तो आप 60 से कर लो, ठीक है दोस्तों 50 से भी कर सकते, 50 का ज्यादा मोटा से 60 आप रेगमा लगा लो और इधर की तरफ 80 लगा लो या 100 लगा लो, ठीक है। इसका दोस्तों पूरा पेपर भी मिल जाता है, 7 से लेकर 10 इंची तक का आपको पेपर मिल जाएगा, पर बड़ी मुश्किल 7 इंची का तो मिल जाएगा, पर आपको 9 या 10 इंची का बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। मैंने तो ये शार्पनर का 1 इंची का सुराख कर रखा है अपनी मशीन के ऊपर, जिनसे मैं बांधता हूँ फिनिशिंग के लिए, जैसे हमने कोने गोल बुनिए में करने होते तो इससे बड़े इजी तरीके से हो जाते हैं, हाथ से करो तो इतना प्रॉपर से हो नहीं पाता क्योंकि टेप हमारी खोल जाती है, मैं बार बार वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से हम तैयार, हम क्या करेंगे 4-4 इंची के हमारे पेपर होंगे, वो हम 9 इंची के काट लेंगे और फेविकोल से प्रेस करके छोड़ देंगे, अगले दिन हम फिर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो ये शुरू करते हैं हम। फाइनल तैयार हो गया, इधर के थोड़े थोड़े बचे टुकड़े आप चाहे तो लगा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप उस हिसाब से गोला भी कम कर सकते हैं और ये, ठीक है दोस्तों। अब हम एक तरफ 60 नंबर का, एक तरफ हमने लगाया 80 नंबर का, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे हमारे शार्पनर ये, अब इसको बताएंगे कि हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं, काफी दोस्तों। ये मेरे पास वुड टिक का पीस है 3.5 का, मैं इसको बताऊंगा आपको, देखो कैसे इस्तेमाल करता है ये, पहले हम 60 नंबर से करेंगे, ठीक है। We'll be right back.
दोस्तों ये देखो मेरे पास 2.5 का मरिंडी का पीस है, ये देखो मैंने इसमें रंदा नहीं लगा रखा है और कितनी अच्छी तरीके से करेगा। अब हम मैं आपको 80 नंबर का चला के दिखाता हूँ इसको, तो 80 नंबर से कितनी फिनिशिंग आती है। दोस्तों ये देखो पहले मैंने 60 नंबर से रगड़ा था इसकी फिनिशिंग, देखो अब मैं 80 से रगड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, ये यानी कि बड़े इसमें एहतियात आपने बरतनी है बहुत अच्छी तरीके से। इसमें लापर ये कटर से भी ज्यादा खतरनाक है, दिखने के लिए बिल्कुल सिंपल लग रहा है बिल्कुल है, और अपने गोगल्स वगैरह डाल के रखना क्योंकि इनके जो चिप्स वगैरह आंखों में पड़ते हैं क्योंकि हम इधर की तरफ ही खड़े होते हैं। गोगल्स आपने लगा लेने हैं। दोस्तों फिनिशिंग दोस्तों बड़ी जबरदस्त होती है, ऐसे लगता है ऐसे किसी कंपनी ने काम किया। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सिर्फ यही एहतियात करती हैं क्योंकि हम इस चीज में थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। ये देखो फिनिशिंग देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त है, आपको मैं इसकी पूरी फिनिशिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वैसा है, ठीक है, अब मैं इसको आपको पूरा फिनिश करके दिखाता हूँ आपके सामने। फिनिशिंग इतनी है ना हद से ज्यादा से फिनिशिंग है। हम लोग देखते हैं कई कंपनियों का फर्नीचर में फिनिशिंग, और दोस्तों यही तरीका होता है, उन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ होता है, ये आप लोग बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, आपने देखा होगा कई वीडियो के अंदर जैसे मैं कोने गोल करता हूँ, सबसे बड़ी बात है दोस्तों ये राइट एंगल में होता है, क्योंकि गुलाई आप जितनी भी कलाकारी से करोगे ना इतने राइट एंगल में नहीं आ पाएगी, थोड़ी बहुत ढबक आ जाती क्योंकि इसके अंदर ढबक नहीं आती है बिल्कुल, यानी कि अपना 90 डिग्री का तैयार होता है। ये देखो पूरे 90 डिग्री में है ये। तो दोस्तों इस तरीके से आप बना, काफ़ी आप लोगों के कमेंट आए थे, हमारे एक सब्सक्राइबर है लाडी भाई, उन्होंने कई बार मुझसे पूछा, मैं क्या टाइम आया क्योंकि मार्केट खुली नहीं थी, अब मार्केट खुली जैसा एक बार चाहता था वैसा मिल नहीं पाया क्योंकि मैंने पहले गोल वाला लगा रखा था क्योंकि वो किसी अवेलेबल अभी है नहीं, वो सदर से ही मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा बना सकते हैं, ये जैसे मैंने प्लाई का लगाया है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी मशीन है तो आप ये इसको लोहे की प्लेट भी बनवा सकते हैं, इसके ऊपर खर्चा 600-700 रुपए का आएगा लोहे की प्लेट का, क्योंकि ये थोड़ी सी ढबक दे देती है क्योंकि मैंने तो 12 mm की लगाई है, मेरे पास 12 की थी, तो आप 15 mm की प्लाई, क्योंकि जब मैं इसको 15 की करूँगा ना तो ये मेरी मशीन प्लेट के आगे आ जाती है, तो मुझे इधर भी कट क्योंकि मेरा इससे काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना, और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये दोस्तों हम अब आपके लिए गिफ्ट निकालेंगे, ये देखिए ये आप लोगों को बहुत पसंद है, आपकी मनपसंद चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका दोस्तों कैसे होगा कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करनी है, ठीक है दोस्तों, और लाइक करना है कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो पूरी देखनी है दोस्तों, स्किप नहीं करनी है। ये दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 पीस निकालूंगा, ठीक है, ये 5 पीस निकालेंगे, और दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर पर ये निकलेंगे, और आपने 1 लाख सब्सक्राइबर दोस्तों बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, आप लोग तो मिलियन तक भी कर सकते हैं क्योंकि ये चैनल आपका मेरा नहीं, ये मत सोच रहे मैं कैमरे के सामने, जिनसे कैमरे के पीछे आप नजर नहीं आते, ये चैनल सभी आपका है, ये आपका है ये चैनल। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे पीस निकालेंगे हम, और दोस्तों और आपने जब मुझे कमेंट करना है तो दोस्तों साथ में आपने फोन नंबर जरूर मुझे आपने अपना दे देना है, क्योंकि जिसके जरिए मैं लकी ड्रॉ निकालूंगा। लकी ड्रॉ कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप सभी के जितने भी नंबर होंगे फोन नंबर लिख देंगे, और डिब्बे के अंदर हम अपनी पर्चियां वगैरह डालेंगे, तो एक पर्ची उठाएंगे हम पहले, फिर दूसरी उठाएंगे, तीसरी उठाएंगे, चौथी, पांचवी, हो सकता है मैं 5 से ज्यादा भी कर सकता हूँ,
तो कमेंट बॉक्स में आपने अच्छे तरीके से करना। और दोस्तों ये मेरा नया फोन नंबर है, दोस्तों आप मुझसे मत मेरा नंबर मांगा करो, आप मुझे अपना नंबर दिया करो कि जिससे मैं कॉल कर सकूं, ये देखो जिससे मैं आपको कॉल कर सकूं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे कहने का बार बार यही है कि वीडियो को पूरा देखा करो, जिसने ज्यादा अच्छे कमेंट किए उनको भी मिलेगा, जिसने ज्यादा अच्छे कमेंट किए, ठीक है दोस्तों। जो उनसे दोस्त मेरे भाई अच्छे कमेंट करेंगे उनको मैं 5 पीसों से अलग से भी दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वो इनाम निकालते रहा करेंगे आगे अच्छे अच्छे इनाम निकाला करेंगे, जैसे बोश का कटर भी निकालेंगे। वो दोस्तों बोश का कटर तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो पूरी देखोगे, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा देना कि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वीडियो की मिल जाएगी। और धन्यवाद दोस्तों।